Hi guys, what's up? And I am back, and it's a great moment for me, and kind of a great opportunity, not an opportunity, great achievement for me and for my podcast, क्योंकि ये 25वां podcast होगा, which means मैंने अपने आप को आउट परफॉर्म कर दिया है और I feel victorious and बहुत ही amazing लग रहा है. एंड ये सबसे लेट पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ मैं. टेक्निकली आज ही मुझे पॉडकास्ट डालना है और मैं रात हो चुकी है, क्योंकि आज मुझे काफ़ी सारी चीज़ें करनी थी यार. एंड कैमरा भी मैंने सिंगल लगाया है अभी, क्योंकि दूसरा कैमरा चार्ज हो रहा है. एंड आई वॉज सुपर एक्साइटेड टू शूट इट. आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं कम्प्लीटली एक्साइटेड नहीं था, थोड़ा ड्रेंड भी हूँ, क्योंकि डबल कैमरा सेटअप नहीं करना था मुझे. एंड ड्रेन में इसलिए क्योंकि मेरा आज कंपैरेटिवली मैंने काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं. आज मैंने मैंने जिम में काफ़ी डिसेंट टाइप ट्रेनिंग करी आज, और उस बात से याद आया कि मैं बैक इन मोमेंटम हूँ, बैक इन द ग्रूव, एंड आई एम फीलिंग सुपर इंस्पायर्ड, यू नो, अबाउट ट्रेनिंग एज वेल. एंड बिकॉज आई रिसेंटली जॉइन माई न्यू जिम, एंड सो हाँ, मैंने ट्रेनिंग करी आज. एंड घर के दो चार इम्पोर्टेंट काम थे वो निपटाए. एंड मेरी बुद्धिस्ट मीटिंग थी आज, वहाँ पर भी गया मैं. मैंने फुटबॉल नहीं खेला आज, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि मैं रोज़ फुटबॉल खेलता हूँ. माई बॉडी नीड सम रेस्ट, माई नीज नीड सम रेस्ट, क्योंकि मैं अपनी 30s में हूँ. एंड 30s में बॉडी काफ़ी अलग हो जाती है भाई, इट्स अ डिफरेंट डायमेंशन ऑल टुगेदर, एंड इट्स वेरी हम्बलिंग. एंड अगर प्रोफाउंड लेवल पे बोलूँ तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रूशियल फेज होता है 30s, क्योंकि हमें एक ऐसा लेसन और ऐसी विजडम मिल रही होती है जिसके लिए मोस्ट पीपल शायद रेडी भी नहीं होते. एंड सो या 30s में योर बॉडी इज़ नॉट द सेम, मेरी रिकवरी सेम पेस में नहीं होती है, थोड़ी स्लो होती है. एंड बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग फेज होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि तुम यूज्ड टू नहीं हो उस चीज़ के, एंड तुम्हें हम्बली अपने आप को समझाना पड़ता है. एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक्सेप्टेंस आती है एक पॉइंट के बाद में. एंड डेफिनेटली अगर एक्सेप्टेंस आती है, उससे पहले एक फ्रस्ट्रेशन वाला फेज भी जाता है, जहाँ पर तुम थोड़ा डिनाइल में भी चलते हो एंड अपनी बॉडी को ऑलमोस्ट अपनी बॉडी के दुश्मन भी बन जाते हो, द वे यू पुश योर सेल्फ. सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल टर्न ऑफ लाइफ वेयर यू लर्न टू नेविगेट एंड लर्न टू बिकम अ बेटर फ्रेंड ऑफ योर ओन सेल्फ. एंड क्योंकि अगर वो समझदारी नहीं आएगी ना, वो ठहराव नहीं आएगा ना खुद को समझने का, तो लेसन भी जल्दी से नहीं आएगा आपके पास. आप शायद स्टक इन टाइम टाइप इंसान बन जाओगे, या फिर कई लोग बोलते हैं ना कि आपको कोई क्राइसिस हिट कर जाएगा क्वार्टरली, या कौन सा क्राइसिस होता है वो वाला क्राइसिस आ जाएगा, आप डिनायल में आ जाओगे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. सो हाँ, मैंने आज फुटबॉल नहीं खेला, विच इज़ ग्रेट थिंग फॉर मी, क्योंकि मैं लाइक एन एडिक्ट रोज़ ही खेलता हूँ. एंड आई लव प्लेइंग फुटबॉल एंड आई एन्जॉय लिफ्टिंग वेट, एंड आई हैव बीन हिटिंग क्लोज टू 2600 कैलरीज करंटली, दैट्स माई मैक्रोज. एंड आई एम सुपर ग्रेटफुल, यू नो, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आफ्टर अ पॉइंट, लाइक वेन यू डू समथिंग फॉर क्लोज टू 2 decades, देन आई फील इट बिकम्स हार्डर एंड हार्डर टू कीप डूइंग इट, कंसिस्टेंसी बिकम्स हार्डर एंड हार्डर. एंड मेरा ये मानना है कि इस जीवन में खुद का ख्याल रखना बहुत ही अंडर रेटेड चीज़ है. अपना ख्याल रखना कैन बी वेरी ओवरवेलमिंग, एंड लोग उसको बोलेंगे अरे तो सेल्फिशनेस है. मेरा ये मानना है कि आफ्टर अ पॉइंट, जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, जिस स्पेस से, खुद का ख्याल रखना एक्चुअली में एक सेल्फलेस ड्यूटी है, क्योंकि सेल्फिशनेस ये होगी खुद का ख्याल ना रखना और एक रॉक की तरह जीवन जीना, कहीं पर भी पड़े रहना, एंड वीक इंसान की तरह ज़िंदगी जीना, एंड ज़िंदगी के फ्लो के अगेंस्ट चले जाना, इन अ वे इमोशनली फिज़िकली हर वे में लोगों पर डिपेंडेंट हो जाना, और अपने खुद के डिकेइंग बर्ताव से अपने लोगों को डिसअपॉइंट करना और दुख पहुंचाना. सो आई थिंक ये करना आसान है, मतलब कोई भी कर सकता है. कुछ मत करो तुम ऑटोमेटिकली वो इंसान बन जाओगे, बट खुद का ख्याल रखना इज़ वेरी अंडररेटेड एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक अब एक वॉरियर का पर्पज़ शायद यही है,
जो वॉर, जो इंसान बोलता है ना, बहुत ज़्यादा वॉर के बारे में बात होती है, बहुत सारे पोएट्स बात करते हैं यार वॉरियर के बारे में, द इनर वॉरियर। सो इनर वॉरियर कोई बाहर वॉर नहीं जीत रहा है, लोगों को मार काट नहीं रहा है, एक्चुअली वो वॉर यही है खुद का खुद के साथ, एंड वो वॉर जीतना बहुत ज़रूरी है। एंड आई बिलीव सिर्फ वही वॉर है और उसी को जीतना है सिर्फ, जीवन का शायद मीनिंग भी यही होगा। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं खुद का ख्याल रख पा रहा हूँ, एंड बहुत अच्छी रिदम हिट हो रही है विद अटमोस्ट ग्रैटिट्यूड। मेरा ये मानना है कि खुद का ख्याल रखना थोड़ा सा आसान तब हो जाता है जब कोई हायर पर्पस उससे जुड़ा हो, फेथ फेथ जुड़ा हो उससे। मैं खुद के एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ भाई, बाकी का जो हो तुम अपना देख लो, बट मैं अपना शेयर कर रहा हूँ। एंड आधे लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आएगी, और कोई बात नहीं, होता है, बट जो लोग सिमिलर पाथ पे होंगे या सिमिलर पाथ सीख कर रहे होंगे या जिनके जीवन में सिमिलर पाथ आने वाला लिखा होगा, वो लोग डेफिनेटली इस बात को ऐसा महसूस करेंगे जैसे कि किसी ने उनकी मन की बात कह दी, या फिर किसी ने उनसे वो बात कह दी जो वो सुनना चाहते थे और उनको भी पता नहीं था कि वो बात सुनना चाहते थे। ये भी मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ, बहुत सालों पहले कई लोगों की बात मेरे मन में ऐसे रह जाती थी जैसे कि पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि जो मेरे मन में रह गया और उसने मुझे काफ़ी एक अलग ही क्लैरिटी दे दी। कभी कभार नहीं, इन मैक्सिमम केसेस हमारे अंदर की जो 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 वाइज डायमेंशन है हम उसको जानते नहीं हैं, तो हमें खुद को भी पता नहीं है कि हम जीवन में चाहते क्या हैं। सो आई थिंक मैं उस लेवल पे बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि कुछ बातें हम जानते भी नहीं हैं कि हमें वो चाहिए थी या हमें सुननी थी, बट जब वो हमारे कानों में पड़ती है तो हमारे दिल में वो ऐसे उतरती है जैसे कि वो वहीं पे बिलोंग करती थी। एंड ये बात काफ़ी गहरी हो गई यार, बट हाँ सही बात मुझे शेयर करनी थी। और जैसे कि मेरी लाइफ में करंटली मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, अगर मेरा कोई उस पर पर्पस जुड़ा ना हो तो टेक्निकली मैं कर भी नहीं सकता उस चीज़ को, चाहे मेरा पॉडकास्ट करना या पॉडकास्ट को डेवलप करना, जिम जाना, कुछ भी करना, एवरीथिंग दैट आई डू वट एवर मूव्स मी, उसके पीछे एक पर्पस जुड़ा हुआ है, उसके बिना तो मैं कुछ हूँ ही नहीं। मेरा व्हाट्सएप स्टेटस भी यही है, एक बड़ी अच्छी लाइन है जिसने मेरे मन को छुआ था और जो कि लिटरली बहुत हाईली रिलेटेबल है। मैं महसूस करता हूँ उसको, मैं जीता हूँ, जीने की कोशिश भी करता हूँ, रोज़ हारता हूँ, रोज़ उस पर जीतता भी हूँ। वो लाइन ऐसी है कि सिंपल सी लाइन है, खलील गिब्रान ने कही है, रेस्ट इन रीज़न एंड मूव इन पैशन। मतलब कि सारे दुनिया के जो रीज़न, जो लॉजिकल बातें हैं ना, दे मेक सेंस वाई वन मस्ट रेस्ट फ्रॉम अ स्पिरिचुअल परस्पेक्टिव, एंड एंड वाई वन मस्ट मूव। अगर जुनून नहीं है कोई कोई बात, कोई इतनी गहरी बात कहने की चाह नहीं है, अगर अपने अगर ह्यूमैनिटी से इतना प्यार नहीं है, अगर जीवन से इतना प्यार नहीं है, तो वो जुनून भी उतना गहरा नहीं है जो तुम्हें मूव करने पे मजबूर कर दे। दैट्स वाई मूव इन पैशन। एंड ये बात भी मुझ तक तब पहुंची खलील गिब्रान की, जब मैं उस लेवल तक पहुंचा और मैं रेडी था। और वो कहते हैं ना कि तुम अपने आप में एक, डॉक्टर वेन डायर कहते हैं कि तुम बस अपने आप में एक ट्रांसमीटर हो, तुम ट्रस्ट करो लाइफ को लाइक जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ को ट्रस्ट करता है, एंड सवाल भी तुम्हारे पास में भेजे जाएंगे और उन सवालों के जवाब भी जब आने चाहिए तब तुम तक पहुँच भी जाएंगे। बहुत ही अजीब सी बात सुनने में लगेगी, बट दिस इज़ ये बहुत ही डीप सा ट्रूथ है इस बात में। एंड सवाल आते भी एक सर्टेन टाइम पर है, वो सवाल परेशान करने का भी एक गिवन टाइम होता है, वो सफरिंग भी ज़रूरी है क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट लाइक कुछ फर्मेंट हो रहा है, कुछ पक रहा है, वो पकना भी ज़रूरी है। जब वो राइट लेवल पर पहुंच जाता है, जब वो कहते हैं ना फल राइप हो गया है, तोड़ने के लेवल पर आ चुका है, तब आंसर भी पहुंच जाता है क्योंकि तब इंसान रेडी होता है, नॉट बिफोर नॉट आफ्टर। दैट्स वाई कहते हैं ना कि गॉड की तरफ से कभी देर नहीं होती, एंड विच मीन्स एवरीथिंग हैपन्स एट द राइट टाइम, नॉट बिफोर नॉट लेट। एंड इसीलिए इस बात को समझना ज़रूरी है, ये कोई
मेरी एक्चुअली पता है मुझे क्या लगता है, मेरी जो मैक्सिमम बात है ना वो काफ़ी रिडल टाइप लगती है मुझे, इसलिए कभी कभार ना आधी बातें मैं कहते कहते ही चुप हो जाता हूँ, मैं पूरी बात कंप्लीट भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि क्या ही बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, आई मीन बोलने में ज़्यादा सफरिंग हो रही है, चुप रहा हूँ मज़ा आ रहा है, बट आई थिंक यहाँ पर मैं शायद थोड़ा सा सेल्फिश हूँ, कभी कभार उसके बियॉन्ड जाना ज़रूरी है और वो सफरिंग लेनी ज़रूरी है, और सिंपली लोगों से बात करनी ज़रूरी है, अपनी मन की बात कहनी ज़रूरी है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट उनकी मन की बात सुननी बहुत ज़रूरी है, एंड लाइफ इज़ वेरी सिंपल, हम एज ह्यूमन बींग्स लाइफ को बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, अपनी चार किताबें पढ़ के हम लोगों को डाइसेक्ट करना शुरू कर देते हैं, और हमारी ये जो जद्दोजहद है ना, हमें जिसमें हम इस तलाश में कि हम ज़िंदगी को समझ जाएँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी कॉमेडी चीज़ है, ज़िंदगी भाई समझने के लिए नहीं हुई है, लाइक इमेजिन तुम उस चीज़ को समझना चाह रहे हो जिसने तुम्हारे दिमाग को भी बनाया है, तो दिमाग कैसे समझ जाएगा उस चीज़ को जिसको जिस चीज़ ने उसको खुद को बनाया है, सो ये सबसे ब्यूटीफुल जो चीज़ है जिसे बोलते हैं भगवान का किसी से मिलना भी, जिसे एब्सोल्यूट सरेंडर भी कहते हैं, वो इस बात को मानना है कि समथिंग अबव एंड बियॉन्ड काम करने पे लगा पड़ा है जिसने हमें बनाया है, एंड उसकी गोद में सब कुछ सेफ है, सब कुछ बेस्ट हो रहा है और हम सब उसी के बच्चे हैं, एंड उससे बेहतरीन उसको हम कभी समझ भी नहीं सकते, सो ये अंडरस्टैंडिंग अगर किसी में आ जाए दैट इज़ लाइक एन इनसेन काइंड ऑफ ब्लेसिंग, ये सफरिंग चली जाएगी जिसमें हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना चाहते हैं, हम किसी उस चीज़ को शब्द देना चाहते हैं जो शब्दों के बियॉन्ड है, हम किसी उस चीज़ को ढांचे में उतारना चाहते हैं जो ढांचों में आ ही नहीं सकती, उसके बियॉन्ड है, एक थॉट में, एक लैंग्वेज में, एक कॉन्सेप्ट में डाल के उस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं जो कि अनएक्सप्लेनेबल है, जिस चीज़ ने हमको बनाया है भाई, और हमको ही नहीं बनाया है, पूरी हर चीज़ को बना रहा है और क्या क्या कर रहा है वो चीज़ कर रही है जो भी, वो फायदा में नहीं हो सकता है, मतलब कि तुम ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हाउ कैसे किस तरह कुत्ता अपनी दुम को चेज करता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है, सो एक इंसान वही है, एंड इंसान की सबसे वाइजेस्ट और फाइनल जो अंडरस्टैंडिंग है हाईएस्ट लेवल की, जो मैक्सिमम लेवल पे जो अपने आप को इंसान एक्सपांड करता है, वो सिर्फ ये हम्बल अंडरस्टैंडिंग है दैट वी नो नथिंग, एंड इस नथिंगनेस में ही एवरीथिंग है और इटर्निटी है, एंड कैन यू डिफाइन स्पेस, क्या स्पेस का कोई अंत है, क्या टॉर्च मार के ये तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कहीं एंड पे दीवार पे लगेगी टॉर्च, लाइट ईयर्स में हम बातें करते हैं और कुछ चीज़ लाइट ईयर्स ट्रैवल कर रही होती है, उसको हम मेजर तभी कर पाते हैं जब वो किसी चीज़ को हिट करती है, देन वी कैन से सो एंड सो थिंग हैज़ बीन ट्रैवलिंग टिल सो एंड सो पॉइंट एंड इन दीज मेनी लाइट ईयर्स, बट द थिंग इज लाइट ईयर्स ना भी वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि उसका वजूद एक शुरुआत से कहीं डेस्टिनेशन की वजह से ही है, बट ट्रूथ तो यह स्पेस में कुछ है ही नहीं, एंड सो बेसिकली इसी बात के अंदर वो गहरा सच छुपा हुआ है कि ज़िंदगी एक्चुअली में यही है, फॉर एग्ज़ाम्पल समझो कि कोई चीज़ ऊपर से एक बॉटमलेस पिट में कोई चीज़ नीचे गिरती जा रही है और ग्राउंड है ही नहीं, तो आफ्टर अ पॉइंट क्या मतलब कि क्या डिफाइन करेगा कि वो गिरी भी रही है कि ऊपर जा रही है, उड़ रही है कि जगह पे स्टैटिक है, सो बहुत ही डीप बात बोल दी यार मैंने, आई थिंक ऐसी बातें कहने से मैं खुद ही चुप रहता हूँ, क्योंकि ये बात कह के मेरा खुद का मन करता है कि मैं चुप हो के 5 सेकंड सोचूं मैंने क्या बोला अभी, एनीवे सो आज का दिन थोड़ा बहुत वैसा रहा, और ड्रेन्ड भी हूँ मैं काफ़ी, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे बाहर घर से निकलना पड़ा, एंड बट ये राइट काइंड ऑफ ड्रेन फीलिंग है, एंड रिसेंटली मैंने नया जिम ज्वाइन किया है, एंड ऑनेस्टली आई फील कि भाई बहुत ही सिंपल सी बात लगेगी सुनने में, बट ये बात मुझे क्लियरली अलग ही लेवल पे हिट हुई है रिसेंटली, कि एक लाइक किसी सर्टेन जगह पे ट्रेन करने का बहुत ही हायर लेवल का स्पिरिचुअल इफेक्ट होता है ऑन आवर बॉडीज, एंड वहाँ पे इंस्पिरेशन अलग लेवल की आती है, एंड दैट इज़ वाई मैं एनकरेज करूँगा लोगों को कि आप जहाँ पर भी ट्रेनिंग करते हो अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर आप ट्राई करो किसी नई जगह पर, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पार्क में, नेचर के आसपास, किसी ऐसी जहाँ पर काफ़ी सन हो, डिफरेंट नई जगह पर ट्रेनिंग करने की कोशिश करो, आई एम डैम श्योर यू विल फील लाइक अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एनर्जी देयर, एंड
एंड यू विल रियलाइज कि वाई आर यू फीलिंग स्लगिश एंड वाई आर यू स्ट्रगलिंग इन योर जिम और वट एवर एंड वाई आर यू फीलिंग दैट यू हैव हिट द प्लेटो। तो यहाँ पर मैंने ये नया जिम ज्वाइन किया है, अभी तो मेरा थर्ड दिन ही था एंड ऑटोमेटिकली मुझे फीलिंग आ चुकी है कि आई एम गोइंग टू हिट सम पी आर्स ओवर हेयर एंड आई एम गोइंग टू अगेन गेट इन टू वन ऑफ माई बेस्ट शेप्स एंड आई एम एक्साइटेड एंड सो आई थिंक ये जो फीलिंग है ये बहुत अंडर रेटेड है और ये इतनी अंडर रेटेड है कि मैं इसको बयान भी नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो ये करंट अफेयर में ये चल रहा है एंड मेरा मन किया कि यार मैं अभी आज पॉडकास्ट करूँ या ना करूँ या फिर मैं ये अनाउंस कर दूँ कि मैं वीक में एक बार ही पॉडकास्ट करूँगा, बट मैं ना ऐसे ख्यालों से दूर रहता हूँ जहाँ पर मैं खुद ही काफ़ी खिचड़ी पका रहा हूँ और अपनी स्ट्रैटेजी लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं फुल ऑन भाई सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इंसान हूँ, आई कैन बी सुपर डिल्यूजनल। मैं हर चीज़ से पहले इसलिए प्रेयर करता हूँ क्योंकि प्रेयर के बाद में मुझे हायर परस्पेक्टिव मिलता है एंड तब मैं अपने बियॉन्ड जाके एक पता नहीं क्या रूहानी बात है और मैं वहाँ से ऑपरेट कर पाता हूँ। जब भी मेरे मन में स्ट्रैटेजी चलती है ना कि मैं एक ही पॉडकास्ट करूँगा क्योंकि अब तो मैं बिजी सा महसूस कर रहा हूँ, तो मैं इस सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट से दूर रहता हूँ। ये जो सेल्फ राइटियसनेस जो चीज़ आती है ना मेरे अंदर, मैं इसको तुरंत खारिज करता हूँ कि भाई ये डेविल बोल रहा है मेरे अंदर बैठ के, और इसलिए मैंने बात को कोई इतनी बड़ी ऐसे ऐलान नहीं किया कि भाई मैं एक ही पॉडकास्ट बनाऊँगा इस वीक। हाँ ऐसा पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ऐसा, क्योंकि होएगा वो, क्योंकि मैं अपने पॉडकास्ट की क्वालिटी इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, बेटर एडिटिंग करना चाहता हूँ, बहुत कुछ मुझे बहुत इम्प्रूव करना है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा वक्त मिल जाएगा तो बेटर होगा। बट ये अभी बहुत ही बस थॉट प्रोसेस है, खाली ख्याली पुलाव है, इस बात में कोई रियलिटी नहीं है। बट अभी तो मैं अपने आप को पुश करते हुए इस रिदम के साथ में सुपर हैप्पी और फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड हूँ कि आई एम एबल टू हिट टू पॉडकास्ट वीक एंड देखते देखते मैं 25 पॉडकास्ट कर चुका हूँ भाई, एंड सुपर सुपर ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड इट्स लाइक अ स्नोबॉल इफेक्ट, जैसे जैसे दिन बीत रहा है, वक्त बीत रहा है, मुझे मज़ा मेरा बढ़ता जा रहा है और बहुत सारी नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ। मैंने कितने सारे नए सॉफ्टवेयर सीख लिए हैं, काफ़ी इंटिमिडेटिंग सॉफ्टवेयर जिनसे मुझे डर लगता था पहले, मैं उन पर बैठ के चीज़ें कर पा रहा हूँ और हर एरिया में चीज़ें सीख रहा हूँ। एंड ऑनेस्टली ये मैं काफ़ी एनकरेज भी फील करता हूँ, चाहे वो एक भी बंदा क्यों ना मुझे व्यू देता हो, आके देखता हो, मेरे लिए वो सब कुछ है और मज़े आ रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ। और मैं स्ट्राइव कर रहा हूँ, थ्राइव कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं मज़े करता रहूँ, कभी भी ये चीज़ टास्क ना लगे और ड्यूटी ना लगे। और मैं इसीलिए ज़्यादा कॉमेंट वमेंट भी पढ़ता नहीं हूँ, बट हाँ यूट्यूब पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि किसी के कॉमेंट आए तो मैं पढ़ के रिप्लाई कर दूँ, बट मैं किसी के फीडबैक का इतना खास वेट वेट नहीं करता हूँ, क्योंकि ना तो मुझे तारीफों सुन के अपने आप को डिस्ट्रैक्ट महसूस करवाना है और ना ही मैं किसी के क्रिटिसाइज करने से बॉक डाउन फील करूँगा। सो ये मेरे मन में बातें चल रही हैं अभी एंड मुझे लगा कि मैं तुरंत आके आप लोगों से शेयर करूँ। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज to not conclude and to not define things and to not say कि ऐसी चीज़ें मुझे करनी है और ऐसे ही करूँगा मैं या ऐसे ही करूँगी और यही सत्य है, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। एंड इस कंक्लूजन काइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि दैट्स अ ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट डेविल एंड ईविल एंड वी शुड ऑलवेज रिमेन ओपन एंड फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़। दैट्स द ट्रू नेचर ऑफ लाइफ, विच मीन्स दैट्स योर ट्रू नेचर एज वेल। We should always remain open and we should always die to what we had learned yesterday and keep ourselves empty like an empty slate. मैं ये रोज़ सुबह उठ के प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ, मेरा ध्यान लगाने का मकसद वही होता है सुबह उठते ही सबसे पहले चीज़, ताकि मैं अपने आप को empty slate बना दूँ और दिन का momentum शुरू करूँ, क्योंकि fundamentally from the eyes of life there's always one day. ये डेट जो आगे बढ़ रही, साल आगे बढ़ रहे हैं, ये तो अपने आप में एक इल्यूशन है, कुछ आगे पीछे कुछ नहीं बढ़ रहा है। फंडामेंटली इज़ ऑलवेज वन डे एंड यू हैव टू विन दैट वन डे, यू हैव टू वेक अप टू दैट वन डे एंड देन यू हैव टू स्लीप टू दैट वन डे। एंड इट साउंड्स लाइक अ साईफाई मूवी कॉन्सेप्ट, बट इफ़ वी इंटरनलाइज इट, लाइक अंडरस्टैंड इट ऑन अ लाइफ लेवल, नॉट एन इंटेलेक्चुअल लेवल, देन द गेम चेंजेस एंड देन वी स्टार्ट हैविंग फन एंड देन वी स्टार्ट seeing world differently and start enjoying things
एंड आई एम अबाउट टू हिट 20 मिनट्स मार्क. दिस विल बी मे बी अ शॉर्ट पॉडकास्ट. एंड आज लिवरपूल का पहला मैच था नए सीज़न का. प्रीमियर लीग शुरू हो चुका है, कल रात से शुरू हुआ बेसिकली. आज पहला दिन था, टेक्निकली फर्स्ट वीक चल रहा है. एंड सुपर एक्साइटेड, सो मच लुक फॉरवर्ड टू. एंड आई लव दिस स्मॉल लिटिल थिंग फॉर माई सेल्फ. आई लव सपोर्टिंग माई क्लब. इट्स अ वेरी इनोसेंट थिंग एंड आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट इट, नर्चर इट. एंड आई जेन्युइनली समटाइम्स विलिंगली गेट इन टू पेटी आर्ग्यूमेंट्स बिकॉज आई फाइंड सम सॉर्ट ऑफ अ चार्म इन दैट. एंड सो या, सीजन हैज स्टार्टेड. लिवरपूल हैज़ वन द मैच 2-0. मैच वॉज अगेंस्ट इप्सविच टाउन. एंड सो या, दैट वॉज द गेम टुडे. एंड मैं जिम में था तभी जब मैच शुरू हो चुका था. फॉर सम रीज़न मैं जिम में, पता नहीं कैसे लेट हो गया, बट मैंने फ़ोन पर देखना शुरू कर दिया था मैच. एंड एनी वे काइंड ऑफ अवॉइड वॉचिंग लिवरपूल्स मैच क्योंकि इट समटाइम्स मेक्स मी फील टू आइडेंटिफाइड एंड टू एनग्रोस्ड दैट आई कैन बी सुपर रिएक्टिव. So I maintain a safe distance and I then enjoy the match, truly enjoy the match without being consumed by it and without experiencing the turbulence of the team. So yeah, that's a different topic. Us bare mein kisi aur din baat karenge. Now I'll be closing this podcast off. See you guys. Love and peace to each one of you. My next small target is 50 podcast. And then we keep moving forward. And love and peace to each one of you. Please take care of yourself. And please write on comments what do you feel about this podcast and all the podcast. You can also write about where you are in your life and how you are feeling about. Some of you have asked about me to talk about Buddhism. Inshallah, by God's grace, I'll be covering that up soon. What covering that up? I'll be sharing that whatever from my life. I know nothing. I just learn from you guys. And write in your comments, and if you are really digging the vibe and if you think this is resonating with you and if we are on the same page, then please subscribe it and let's learn from each other and share something with me. I'm looking forward to hear from you. And love and peace to each one of you. Bye guys, see you.